सचमुच एक बहुत ही नैसर्गिक ज़रूरत थी और इसको आज हम इंदौर को समर्पित करने जा रहे हैं। मैं नगर निगम को बहुत बधाई देना चाहती हूँ और अदिति जी ने जैसे भी मुझे जानकारी दी है कि ये पीपीपी मोड पर बना है और प्रतिवर्ष इससे नगर निगम की आमदनी भी होने वाली है। और जिन बहनों को यहाँ काम दिया जाएगा, बहनों को ही काम पर रखा जाएगा। कोई बहन प्रताड़ित है, कोई रोजगार के अभाव में परेशान है, ऐसी बहनों को यहाँ काम करने का मौका मिलेगा। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 50% भागीदारी बहनों की सुनिश्चित की, उस अनुपात में ही हमें सभी व्यवस्थाओं में बढ़ोतरी करनी ही होगी। और निश्चित रूप से ये बना करके शौचालय बहुत ही अद्भुत उपहार बहनों को दिया, मैं बधाई देती हूँ नगर निगम को। और फीडिंग रूम भी है इसमें कि माता बहने कई बार बहुत इमरजेंसी हो जाती है और सीधे उन्हें घर की तरफ जाना होता है, तो इन सब मुसीबतों से वो बचेंगी और महिला सशक्तिकरण की दिशा में ये एक बहुत मजबूत कदम है। आज आयुक्त महोदया प्रतिभा पाल जी भी पहुंचने को थी, पर बहुत छोटा उनका बच्चा है, उसकी कुछ सेवा में वो लग गई, तो मैं उनको और पूरे इंदौर नगर को बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामना देती हूँ। सौगात मिली है महिला सुविधा कक्ष के तौर पर और ये स्मार्ट सिटी और नगर निगम इंदौर का एक विशेष प्रयोजन है और निश्चित तौर पर इससे महिलाओं को बहुत सुविधा होगी। वर्तमान समय में जैसे महिलाएं अपने घरों से बाहर निकल करके विभिन्न कामों के लिए, मार्केटिंग के लिए और अपने जॉब को लेकर के शहर के विभिन्न स्थानों पर जाती हैं और उस वक्त वो ये महसूस करती थी कि अगर बच्चा साथ में हो या वो अकेली जा रही हैं तो उनको सुविधा जो प्रसाधन की आवश्यकता होती थी वो सहज उपलब्ध नहीं हो पाता था, जिसके कारण उनका आवागमन बाधित होता है। तो ये एक बहुत अच्छी सोच स्मार्ट सिटी और नगर निगम द्वारा की गई है और इसमें पुलिस प्रमाइसेस में भी कुछ सुविधा कक्ष बनाए गए हैं और इसका नाम इन्होंने श्री कुंज दिया है, जो अपने आप में बहुत ही एक खूबसूरत नाम है। इसमें महिलाओं के लिए प्रसाधन कक्ष के साथ में बच्चों के फीडिंग रूम भी है, जिससे कि वो अपने बच्चे को यदि लेकर के निकलती हैं तो बच्चे को किसी भी प्रकार की परेशानी भी ना हो। और ये एक अच्छी सौगात है इंदौर के लिए, साफ सुथरा और सहज वातावरण और सुविधाजनक वातावरण महिलाओं को यहाँ पर मिल सकेगा।